अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सना, आप हैं मेरे संग और आज हम बनाने वाले हैं आपकी बहुत सारी फरमाइश पर क्या बनाने वाले जोई? स्लाइम। जी तो चले स्टार्ट करते हैं। सना के संग संग जोई के साथ गुड आइडिया। तो स्लाइम बनाने के लिए हमें दो बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए। तो पहला बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है जोई? स्कूल ग्लू। अगर आपने वुड ग्लू यूज किया जो कि हमने शेफी की दुनिया से बोरो किया था तो नहीं चलेगा। तो चलें अब हम बेसिक इंग्रेडिएंट लेते हैं स्कूल ग्लू, और दूसरा बेसिक इंग्रेडिएंट है बोरेट आयन। बोरेट आयन की सोर्सेज बहुत सारी होती हैं घर की चीज़ों में, उसमें से अभी फ़िलहाल हम बोरेक्स यूज़ कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि बोरेक्स के बगैर किस तरह से बनाया जाता है। तो कौन सी चीज़ों में होता है बोरेक्स जोई? यस, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन में भी होता है बोरिक एसिड, जिसके लिए हमें एक और एक्टिवेटर चाहिए होता है जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगी। तो हम हाफ कप ग्लू ले रहे हैं, जोई मुझे मेजर करने में हेल्प कर रही है। इस पर पहले हम कोई कलर पिक कर लेते हैं। इसको कौन से कलर का बनाना है जोई? पिंक। चलो पिंक डालते हैं इसमें, टू ड्रॉप्स। रेड बन रहा है पिंक। रेड बन रहा है, अब बन गया है लाइट पिंक। व्यूअर्स ये कैसा लग रहा है? ये हमारा फिलहाल तो केक का बैटर लग रहा है। मामा देखो ये कुछ बन रहा है। आधा टीस्पून बोरेक्स पाउडर आधे कप पानी में, और अब हम इसको इजीली एक्सेस करने के लिए इस बॉटल में डाल देंगे। आप बॉटल में ना चाहे ना डालें, इसी में रखें। इसकी क्या बन गया जोई? बोरेक्स सॉल्यूशन। दैट्स राइट, ये हमारे दो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन हम इसका टेक्सचर और इम्प्रूव करने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो कि हमने रूबी के किचन से बोरो किया है। ऑयल, ऑयल से इसका टेक्सचर बड़ा ही अच्छा हो जाता है, और जो फनी नॉइज स्लाइम से बनती है वो ऑयल की वजह से ही बनती है। तो हमें मेजर करके 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। अब आगे मैजिक का टाइम। तो मैजिकली अब ये जो आइसिंग है पानी में डालने से आइसिंग तो और डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन इस आइसिंग में ये पानी जब जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। रेडी? थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाते रहना है ताकि स्ट्रेची बने, ठीक है? हाँ, बहुत सारा हिलाना है, मिक्स करो। लग रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ग्लू जो था स्टिकी स्टिकी, वो स्टिकी स्टिकी कम होके कुछ स्लाइमी स्लाइमी सा बन रहा है। तो हमने 2 टेबलस्पून डाला है, अब हम एक और डालेंगे। 3 टेबलस्पून। अभी तक 3 डाला है, उसको बहुत सारा मिक्स करते हैं। मिक्स 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 मिक्स, हमें स्ट्रेची स्लाइम बनाना है। ये तो मैजिक स्लाइम बन रहा है। ये केक की आइसिंग को क्या हो गया जोई? अभी भी ये स्ट्रेची है। अच्छा, अगर आप ये मत कीजिएगा कि इस मौके पे इसको हाथ लगाइएगा, क्योंकि अभी ये ग्लू जो है बहुत ही स्ट्रेची हो गया है। अभी जो है इसको चमचे से ही मिक्स करिएगा। अभी और डालेंगे हम, क्योंकि बिल्कुल ग्लू के सारा रिएक्शन हो जाना चाहिए। वो जो स्टिकीनेस ग्लू की है ख़त्म हो जानी चाहिए इसकी वजह से। जब हमारा रिएक्शन कम्प्लीट हो जाएगा तो हमारा स्लाइम तैयार हो जाएगा। तो ये 4 हुए, अभी भी और जाएंगे, अभी भी स्टिकीनेस है। इतने में 6 टेबलस्पून में हो जाना चाहिए। अभी तक हमने 5 डाले हैं। अपने को यूं करके ये है हमारा 6 चमचा जा रहा है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। ये क्या हो गया? एक जैसा है। एग जैसी फीलिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, एग वाइट, बॉइल एग वाइट का जैसे टेक्सचर होता है ऐसी, लेकिन बस ये स्ट्रेची है। स्ट्रेची लग रहा है। हाँ, लेकिन स्ट्रेची है। देखिए एग टूट जावे ऐसा स्ट्रेची हो रहा है। एग तो टूट जाता है इतना स्ट्रेच करें तो। तो ये हमारा बेसिक एक स्लाइम रेसिपी बन गई है आधे कप ग्लू के साथ, जिसमें हमने डाला था 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून ऑयल और 6 टेबलस्पून सॉल्यूशन। मामा जब आपने ग्लू डाला तो फिर वापस लगा सकते हैं, बिकॉज ग्लू वो स्टिकी है। अच्छा, ग्लू की वजह से तो वापस लगा दो। ओ, इसलिए ये स्टिक हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये केमिकल प्रॉपर्टी ग्लू की जो है वो इसमें स्टिकीनेस थी, लेकिन ये जो है वो स्लाइम है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है।
अब इसको आहिस्ते आहिस्ते से करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते से करें, चलो आहिस्ते से खींचना, नहीं नहीं यहाँ से खींचो, मैं यहाँ से खींचती हूँ, आहिस्ते से, ओह ये तो लंबा होता जा रहा है, कितना लंबा हो सकता है, आहिस्ते से खींचो, ओह अच्छा आप इसको जितना गूंदेंगे इतना ये स्ट्रेची होगा और स्लो स्लो डालने का, वापस स्लाइम करें, चलो सही है वापस करते हैं। ये ग्लू को क्या हो गया, ये ग्लू में हमने पानी डाला मैजिकल सॉल्यूशन, तो ये ग्लू हमारा ऐसा हो गया, इतना स्ट्रेची हो रहा है, इतना स्ट्रेची हो रहा है कि आप जितना गूंदते जाएंगे उतना स्ट्रेची होता जाएगा, और ये जो है अब तो दूर भी नहीं जा सकते, कितना दूर जा सकते हैं, कितना, इसको डबल कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ लो और स्ट्रेची करते हैं, और स्ट्रेची करते हैं, और स्ट्रेची करते हमारा जो फर्स्ट स्लाइम है इसको हम रख देंगे एक बैग में, और किसी भी 8-8 कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं, किसी बैग में आप स्टोर कर सकते हैं। हम सेकंड जो है वो इससे बनाएंगे ताकि आपके पास अगर इस तरह का स्कूल ग्लू मौजूद है तो इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें मेजर वेरिएशन ये होगा, हम आधा कप ही ये लेंगे। मामा आइस जैसा लग रहा है, आइस जैसा लग रहा है, ओके ये कौन से कलर का बनाना है, इसमें तो हम ग्लिटर भी डालने वाले हैं, ब्लू, चलो ब्लू इसमें डालते हैं, थोड़ा सा कलर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें, गुड दैट्स इनफ, देखो कैसा लग रहा है ये कैसा लग रहा है, हाँ ये आसमान है, इसमें हम डाल रहे हैं सितारे, मामा ऊपर चिड़िया देखो सिल्वर, चलो सिल्वर डालें, ये हमारा सिल्वर ग्लिटर आ गया है इसमें, चले अब इसमें भी टेक्सचर के लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इस रेसिपी में डिफरेंस क्या है जोई? अपन ग्लिसरिन यूज़ कर रहे हैं। तो ये है ग्लिसरिन, तो ये ग्लिसरिन वो है जो छालों में लगता है या फिर बॉलीवुड के एक्टर्स या हमारी मूवीज के एक्टर्स जो है उसे आंखों में लगाते हैं रोने के सीन के लिए। तो हम लेंगे 2 टेबलस्पून ग्लिसरिन, और अब हमारा मैजिक होने वाला है, अब हम मैजिकल सॉल्यूशन डालने वाले हैं। इसमें हमने जो बनाया है उसमें क्या फर्क है? तो ये जोई मुझसे पूछ रही है कि एल्मर्स ग्लू के साथ स्लाइम की किट्स में मैजिकल लिक्विड आता है उसमें और जो हमने बनाया उसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें जो है बोरिक एसिड, और ये इनका सीक्रेट है बट मैं आपको बता रही हूँ, और हमारा बेकिंग सोडा मिक्स होता है, और बोरिक एसिड क्योंकि बेकिंग सोडा और बोरिक एसिड मिलके बोरेट आयन बनाते हैं जो कि इनका मैजिकल सॉल्यूशन होता है। ओह आई सी, बट लेट्स नाउ मेक इट द स्लाइम। ओके लेट्स डू द मैजिक, तो हमारा मैजिक सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है इसमें 6 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टीस्पून है, तो हमारा मैजिक शुरू हो गया है। को भी डाल के बेसिकली देखना है कि रिएक्शन कंप्लीट कब होगा, अभी भी हमारा ग्लू बाकी है लेकिन हमारा स्लाइमीनेस होना शुरू हो गई है, तो हमारा केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया है। अब एक और डालते हैं, जितना भी आप मिक्स करेंगे उतना स्ट्रेची बनेगा, रिमेंबर दैट। तो आप मिक्स करें, खूब मिक्स करें बनाते हुए, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, एकदम से डाल देंगे तो उतना स्ट्रेची नहीं बनेगा आपका स्लाइम मिक्स करती हूँ काफी स्ट्रेची बन रहा है पानी लग रहा है ये वो रेन स्टिकी है, अभी भी थोड़ा सा स्टिकी है, तो हम इसमें और थोड़ा सा बोरेक्स डाल देंगे। तो देखिए आप तक जल्दी उठा लेंगे तो आपके हाथ का ये हाल हो सकता है, लेकिन और डालें इसको हम फिक्स कर सकते हैं, हाँ और डाल दो, हाँ थैंक यू, देखिए स्टिकीनेस इसकी ख़त्म हो गई है और ये भी हमारा स्लाइम की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो जो इसे भी स्ट्रेच करके देखें, रेडी सही वापस आ जाओ, ये तो बहुत ही स्ट्रेची बन गया, हमने उसको बहुत मिलाया है वापस आ जाओ, ये तो धागा हो गया है, ये इतना स्ट्रेची स्लाइम है जिससे हम मून तक जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं मून स्लाइम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अब रेनबो स्लाइम अगर बनाना है करते हैं, रेनबो बनेगा, यूं करो रोल मैग्नेटिक पावर, इसको हम मैग्नेट से हिलाएंगे स्लाइम को और जोई हैरान हो जाएगी, इससे लाइट निकल रही है, ये पता नहीं मुझे।